हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, कल हम इक्विसिस्टम के अंदर रिप्रोडक्शन ले रहे थे उसके स्पोरोफाइट में, और आज हम उसी के अंदर रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस इक्विसिस्टम की गेमेटोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इक्विसिस्टम की गेमेटोफाइट के अंदर रिप्रोडक्शन होने के लिए हमने सबसे पहले बात कर ली है कि गेमेटोफाइट बनने के लिए स्पोरोफाइट की स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का निर्माण होता है, और वे स्पोर्स बनकर के जैसे ही जमीन पर गिरते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं और अंकुरण करते हैं, वैसे ही गेमेटोफाइट का निर्माण होता है, यानी कि प्रोथेलस का निर्माण होता है। उस प्रोथेलस के अंदर ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, और इस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से या लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। इस लैंगिक जनन की प्रक्रिया के लिए इस गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, जिन्हें एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया के नाम से जानते हैं। इन सेक्स ऑर्गन्स के बनने के ऊपर अलग अलग प्रकार की मत हैं, जिसे हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन इक्विसिस्टम के तहत, यानी कि इक्विसिस्टम के अंदर सेक्सुअलिटी किस प्रकार की पाई जाती है। जनरली जो गेमेटोफिटिक प्लांट होता है, उस गेमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंथ्रिडियम मेल और आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। और यदि इस प्रकार का प्रोथेलस होता है, तो ऐसे प्रोथेलस को होमोथेलिक या बाइसेक्सुअल प्रोथेलस के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोथेलस के ऊपर प्रेजेंट न होकर के सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन में प्रोथेलस को यूनिसेक्सुअल या डायोसियस या एकलिंगाश्री प्रोथेलस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के सेक्स ऑर्गन के अंदर जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है, ये पहले ही हो जाता है, और इसी को कहते हैं अर्ली सेक्स डिटर्मिनेशन, जो विशेष रूप से कुछ प्रोथेलस इक्विसिटम के प्रोथेलस के अंदर देखने को मिलता है। और इस प्रकार का जो सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, जैसे टेम्परेचर के ऊपर, लाइट के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, और न्यूट्रिएंट्स जो उस प्रोथेलस को मिलते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। डकेट 1977 ने विशेष रूप से इक्विसिटम की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करने पर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, और उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर देखा कि जो मेल गेमिटोफाइट है उसके कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनके अंदर मेल थ्रू आउट द सब कल्चर प्रेजेंट होता है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर। लेकिन कुछ केसेस के अंदर कुछ फ्रेगमेंट्स को देखते हैं तो उनके अंदर आर्किगोनिया बाद में बनता है, एंथ्रिडिया और एंथ्रिडिया पहले बनती हैं। इस प्रकार की जो ओरिजन होता है, इसे प्रोटोएंड्री के नाम से जानते हैं। इस फिनोमेना को विशेष रूप से एक तरह से इक्विसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है, जिसे पोटेंशियली बाइसेक्सुअलिटी के नाम से जाना गया है। हालांकि हैंके 1969 ने ऑब्जर्व किया है कि इक्विसिस्टम के जो गेमेटोफाइट होते हैं, विशेष रूप से इक्विसिस्टम रैमोसिशिमम, इक्विसिस्टम वेरिगेटम और इक्विसिस्टम बैगोटेंसी के अंदर जो प्रोथेलस होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनके अंदर सिर्फ एंथ्रिडियाई प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर कभी भी बाइसेक्सुअलिटी देखने को नहीं मिली है, या आप कहें कि दोनों सेक्स ऑर्गन देखने को नहीं मिले हैं। स्ट्रेटेज 1928 ने ऑब्जर्व किया है कि 50% जो स्पोर्स होते हैं इक्विसिटम के, जब जर्मिनेट होते हैं तब उनसे मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और रिमेनिंग जो 50% स्पोर्स होते हैं जब जर्मिनेट होते हैं तब उनसे फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। कहने का मतलब आधे से मेल और आधे से फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की कंडीशन को, जिसमें एंथ्रिडिया डेवलप होते हैं जो बाद में डेवलप होते हैं और फेल हो जाते हैं, इस प्रकार की जो हिट्रोस्पोरी है तो नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो हिट्रोस्पोरी है इसे इंसिपिएंट हिट्रोस्पोरी के नाम से जाना गया है, या प्रारंभिक विषम बीजाणुता के नाम से जाना गया है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, इक्विसिस्टम के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वे एक ही प्रकार के बनते हैं, होमोस्पोरी देखने को मिलती है। लेकिन
जब 50% स्पोर्स मेल प्रोथलस का निर्माण करते हैं और 50% स्पोर्स फीमेल प्रोथलस का या गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं, तब इस दशा को इन्होंने इनसिपिएंट हेटरोस्पोरी के नाम से जाना गया है। इक्विसिटम होमोस्पोरस है, इसलिए इसके अंदर डेफिनेट सेक्स डिटर्मिनेटिव मैकेनिज्म है, ये अपने आप में नहीं देखने को मिलती है, एब्सेंट होती है। लेकिन इसकी सेक्सुअलिटी को देखते हैं और जब डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो कुछ मेंबर्स के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस प्रकार की सेक्सुअलिटी आएगी, और इस एनवायरमेंटल सेक्सुअलिटी को ही एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से जाना गया है कि बाह्य वातावरणीय कारकों के ऊपर निर्भर करेगा कि प्रोथेलस मेल के रूप में कन्वर्ट होगा या फीमेल के रूप में कन्वर्ट होगा या दोनों रूपों में कन्वर्ट होगा। इस प्रकार से सेक्सुअलिटी ऑफ प्रोथेलस या इक्विसिटम के गेमेटोफाइट की सेक्सुअलिटी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। इक्विसिटम के प्रोथेलस के ऊपर जो सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उनकी हम बात करें तो जैसे हमने बात की मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रिडियम के नाम से जानते हैं। मोनोसियस स्पीसीज के अंदर जो एंथ्रिडिया होते हैं ये आर्किगोनिया के बाद के अंदर डेवलप होते हैं। मोनोसियस मीन्स जिनके अंदर एक ही प्रोथेलस के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन यदि डेवलप होते हैं तो उस केस के अंदर एंथ्रिडिया आर्किगोनिया के बाद के अंदर डेवलप होते हैं और ये प्रोजेक्टिंग टाइप होते हैं, उभरे हुए होते हैं। और एंथ्रिडिया सबसे पहले लोब्स के ऊपर जो गेमेटोफाइट की लोब्स होती हैं उनके ऊपर डेवलप होते हैं और सुपरफिशियल एंथ्रिडियल इनिशियल होती हैं, उनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, उससे जैकेट इनिशियल्स का फॉर्मेशन होता है और आर्किगोनियल सेल का फॉर्मेशन होता है। जैकेट इनिशियल में एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जिससे सिंगल लेयर्ड जैकेट का निर्माण होता है और इसमें रिपीटेड डिवीजन होते हैं तब एंड्रोगोनियल सेल से न्यूमरस सेल्स बनती हैं जिनसे स्पर्मेटिड्स या एंथ्रोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है और वे मेटामॉर्फोसिस हो जाती हैं तब उनसे एंथ्रोजोइट्स बन जाते हैं और ये एंथ्रोजोइट्स उस एंथ्रिडियम के ऊपर एक पोर बनता है और उस पोर के जरिए बाहर की तरफ निकल जाती हैं। ये पोर एपिकल जैकेट सेल के रूप में प्रेजेंट होता है। एंथ्रिडिया का जो एपिकल पार्ट होता है उससे एंथ्रोजोइड बाहर निकलते हैं, ये स्पाइरली कोइल्ड होते हैं और एंथ्रिडियम के जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर ये एक्सटेंट होते हैं, एक्सपेंडेड होते हैं और हर एक जो एंथ्रिडियम होता है उसके अंदर अराउंड 120 फ्लैजिला होती हैं जो एंटीरियर एंड से चिपकी हुई रहती हैं। आप एंथ्रिडियम की डेवलपमेंट की बात करें या देखें तो जैसे ये प्रोथेलस है और प्रोथेलस की लोब के अंदर एक सेल अराइज होती है जिसे एंथ्रिडियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। इस एंथ्रिडियल इनिशियल के अंदर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल बनती है और अंदर की तरफ एंड्रोगोनियल सेल बनती है, बाहर या ऊपर की तरफ और अंदर या नीचे की तरफ एंड्रोगोनियल सेल बनती है। इस जैकेट इनिशियल के अंदर अनेक एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं जिससे चारों तरफ एक कोशिकाओं की परत बन जाती है जिसे जैकेट के नाम से जानते हैं और इस एंड्रोगोनियल सेल के अंदर इंडेफिनिट पेरिक्लिनर और एंटीक्लिनर इरेगुलर डिवीजन होते हैं जिससे कोशिकाओं का एक मास बन जाता है। इस कोशिकाओं के मास को एंथ्रोजोइड मदर सेल के नाम से जानते हैं और इनके अंदर मेटामोर्फोसिस हो जाता है तब इनसे इस प्रकार के एंथ्रोजोइड बन जाते हैं। अब इस स्थिति के अंदर ये मैच्योर एंथ्रिडियम है जिसके चारों तरफ एंथ्रिडियल जैकेट है और अंदर की तरफ एंथ्रोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इस एंथ्रिडियल जैकेट के इस अपेक्स के ऊपर पोर बन जाता है और उस पोर से ये एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं। इसके एंथ्रोजोइड की शेप स्पेसिफिक या पिकुलर प्रकार की होती है, स्क्रू शेप्ड होती है, आप देख सकते हैं स्क्रू लाइक, और इसके एंटीरियर एंड के ऊपर इनडेफिनिट यानी अराउंड 120 फ्लैजिला अटैच्ड हैं। तो इस प्रकार से ये मेल गैमेट और एंथ्रोजोइड इस एंथ्रिडियम के अंदर या मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बन जाते हैं। दूसरी तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे आर्किगोनियम या स्त्रीधानी के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मेशन भी जो प्रोथेलस होता है उसकी सुपरफिशियल सेल से होता है। मार्जिनल मेरिस्टेम की कोशिकाएं एक्ट आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में एक्ट होती हैं और इनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे
प्राइमरी कवर सेल का फॉर्मेशन होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ एक सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है। बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल और अंदर की तरफ सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। इस कवर सेल के अंदर दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल पर, जिससे इस आर्किगोनिया की नेक का फॉर्मेशन होता है। और जो नीचे की तरफ सेंट्रल सेल होती है, उस सेंट्रल सेल के अंदर फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन होता है और एक वेंटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जो नेक कैनाल सेल है, इसके अंदर अगेन डिवीजन होता है, जिससे दो नेक कैनाल सेल्स बनती हैं और ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। और जो वेंटर सेल होती है, उसके अंदर अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ एक VCC वेंटर कैनाल सेल और नीचे की तरफ एक एग या एग सेल का फॉर्मेशन होता है। एट द लास्ट मैच्योरिटी स्टेज के अंदर यदि आर्किगोनियम को हम देखें तो प्रोथेलस से उसकी नेक बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होती दिखाई देती है, उभरी हुई दिखाई देती है। रेस्ट पार्ट जो प्रोजेक्टेड होती है, नेक दिखाई देती है, उसकी सिर्फ चार कोशिकाएं चार टीयर्स के रूप में बाहर की तरफ दिखाई देती हैं, थ्री टीयर्स के रूप में। और शेष पोर्शन होता है जो फोर रोज होती हैं, जो वो अंदर की तरफ ऐसे कैसे दिखाई देता है। इस नेक के अंदर दो नेक कैनाल सेल्स होती हैं, जो साइज के अंदर अनइक्वल होती हैं, और एक वेंटर कैनाल सेल होती है और एक एग सेल या एग होती है जो बेस के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो वेंटर पोर्शन होता है, ये प्रोथेलस के अंदर एम्बीडेड होता है, धसा हुआ रहता है। इस जो आर्किगोनिया होती हैं, ये जो प्रोथेलस होता है, उसके लॉब्स होती हैं, उन कुशन शेप्ड के अंदर एम्बीडेड होता है। इस आर्किगोनियम का डेवलपमेंट को हम देखें डायग्रामेटिक रूप में, तो आप समझ सकते हैं जो प्रोथेलस होता है, उसकी लोब के अंदर एक आर्किगोनियम के निर्माण के लिए एक आर्किगोनियल इनिशियल अराइज होती है। इसके अंदर पेरिकलिनल डिवीजन होते हैं, जिसे बाहर की तरफ एक प्राइमरी कवर सेल बनती है और नीचे की तरफ या अंदर की तरफ एक सेंट्रल सेल बनती है। इस प्राइमरी कवर सेल के अंदर दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं एक दूसरे के राइट एंगल पर, जिससे चार नेक सेल का फॉर्मेशन होता है। इन चारों नेक सेल के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, दो ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसे 4×12 सेल्ड ये नेक का फॉर्मेशन होता है। इनिशियली इन सेल्स को प्राइमरी नेक सेल्स कहते हैं, और इस प्राइमरी नेक सेल के अंदर की तरफ ये जो सेंट्रल सेल है, इसके अंदर अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे एक प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनती है और एक वेंटर सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो नेक सेल्स होती हैं, उनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से यहाँ पर एक दो और एक दो और तीन टीयर्स बन जाती हैं, और एक और ट्रांसवर्स डिवीजन में चार टीयर्स, यानी कि 4×4 = 8, 4×3 = 12, 4×4 = 16 सेल की ये नेक बन जाती है। और इस नेक बनने के साथ साथ में ही नीचे की तरफ इस प्राइमरी एनसीसी में और इस वेंटर सेल के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं। प्राइमरी एनसीसी के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ एक नेक कैनाल सेल बनती है और नीचे की तरफ एक वेंटर कैनाल सेल बनती है। और ये शेष नीचे की तरफ जो सेल रहती है, इसे एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस नेक कैनाल सेल के अंदर अगेन एक ऑब्लिक डिवीजन होता है, जिसे अनइक्वल शेप की नेक के अंदर दो नेक कैनाल सेल बन जाती हैं, ये दो नेक कैनाल सेल बन जाती हैं, और नीचे की तरफ ये एक VCC है और एक एग सेल है। अल्टीमेटली जो मैच्योर आर्किगोनियम है, ये इस प्रकार की है, जिसमें ये नेक सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 टीयर्स दिखाई दे रहे हैं, और अंदर की तरफ दो नेक कैनाल सेल्स दिखाई दे रही हैं, जो बॉट शेप्ड या ओब्लिक फॉर्म के अंदर अनइक्वल साइज की दिखाई दे रही हैं, और एक ये VCC दिखाई दे रही है और ये एक एग सेल दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इस आर्किगोनियम का नेक पोर्शन के दो टीयर तो बाहर की तरफ होते हैं, और शेष दो टीयर एज वेल एज इसकी वेंटर प्रोथेलस के अंदर
एम्बीडेड होती है। इस प्रकार से फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे मैच्योर आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। जब दोनों सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं तब अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया। फर्टिलाइजेशन की क्रिया एज यूजुअल अन्य ब्रायोफाइट्स की जैसे वाटर की प्रेजेंस में होती है, कीमोटेक्टिक मूवमेंट के थ्रू होती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तब एंथ्रोजोइड इस आर्किगोनियम के अंदर एंटर होता है, और एंटर होने से पहले आर्किगोनिया की एनसीसी और वीसीसी डिसइंटीग्रेट होती हैं और उनसे म्यूसिलेजनस पदार्थ बनता है, और ऊपर की तरफ नेक सेल्स कवर सेल्स टूट जाती हैं, और टूट जाने से म्यूसिलेजनस पदार्थ बाहर आ जाता है और उससे बहुत सारे एंथ्रोजोइड्स अट्रैक्ट होकर के आर्किगोनिया के पास में आते हैं, और उनमें से वन ऑफ द एंथ्रोजोइड आर्किगोनिया के नेक के अंदर एंटर होता है, और एंटर होकर के एक एंथ्रोजोइड उस एग से फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर के डिप्लोइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। जनरली मोर देन वन आर्किगोनिया फर्टिलाइज होती हैं एक प्रोथेलस के ऊपर। एक प्रोथेलस के ऊपर बहुत सारी आर्किगोनिया बनती हैं और उन बहुत सारी में से एक से ज़्यादा आर्किगोनिया फर्टिलाइज हो जाती हैं, और फर्टिलाइज होने पर अल्टीमेटली डिप्लोइड स्ट्रक्चर जाइगोट बन जाता है, और इस डिप्लोइड स्ट्रक्चर जाइगोट से ही नए स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, और इस नए स्पोरोफाइट को अर्लियर स्टेज के अंदर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। इस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? इस एम्ब्रियो की जो मदर सेल होती है यह जाइगोटी होती है, जो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अधिकतर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो सेवरल स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर इसका डेवलपमेंट उसी प्रोथेलस के ऊपर होता है, और इसी प्रकार से इस जाइगोट के अंदर पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ऊपर की तरफ एक सेल बनती है जिसे एपिबेसल सेल कहते हैं, और नीचे की तरफ एक दूसरी सेल बनती है जिसे हाइपोबेसल सेल के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति के अंदर एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है ये फॉर्मेशन एपिकल सेल से होता है, और एपिकल सेल से होता है तो इस स्थिति में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को एक्जोस्कोपिक डेवलपमेंट कहते हैं या बहिर्मुखी विकास के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आर्किगोनियम की नेक की तरफ होता है, या दूसरे शब्दों में आप कहें बाहर की तरफ होता है, और इसी पोलरिटी को एक्जोस्कोपिक डेवलपमेंट कहते हैं। इस इक्विसिटम के एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय किसी प्रकार का सस्पेंसर जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनती है जैसे कि और दूसरे टेरिडोफाइट्स के अंदर बनती है। एपिबेसल और हाइपोबेसल सेल्स होती हैं ये देन राइट एंगल पर डिवाइड होती हैं एक दूसरे के समकोण के ऊपर, जिससे चार सेल्स बनती हैं। इस स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज के नाम से जानते हैं, और इन चारों सेल की जो साइज होती है और जो शेप होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। इस फोर सेल्ड एम्ब्रियो के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं जिससे सूट अपेक्स का फॉर्मेशन होता है जो लार्जेस्ट सेल होती है उससे, और लीफ इनिशियल्स का फॉर्मेशन होता है जो रिमेनिंग वन सेल होती है क्वाड्रेंट की, और एपिबेसल हेमिस्फीयर के अंदर जो सेल्स होती हैं उससे इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। और एपिबेसल जो क्वाड्रेंट होती है उसकी जो एक सेल होती है उस एक सेल से उसके पास की जो एडजेसेंट क्वाड्रेंट की हाइपोबेसल रीजन के साथ में होती है उससे रूट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए फर्स्ट रूट का डेवलपमेंट एपिबेसल क्वाड्रेंट की एक सेल से होता है और उसके पास की हाइपोबेसल क्वाड्रेंट से उस सूट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस जाइगोट से किस प्रकार से नई स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जैसे जाइगोट था और उस जाइगोट के अंदर एक दूसरे पर राइट एंगल पर डिवीजन होने से ये चार कोशिकाएं बन गई। इन चार कोशिकाओं को क्वाड्रेंट के नाम से जाना गया है। ये चारों कोशिकाएं आप देख सकते हैं, इन चारों कोशिकाओं के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं जिसमें से ऊपर की दो कोशिकाएं थी ये एपिबेसल के रूप में हैं, और नीचे की तरफ जो दो कोशिकाएं हैं ये हाइपोबेसल के रूप में हैं।
एपिबेसल की कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका डिफरेंशिएट होती है जो स्टेम अपेक्स के रूप में या सूट अपेक्स के रूप में डेवलप हो रही है, और हाइपोबेसल पोर्शन के अंदर एक कोशिका डिफरेंशिएट होती है जो रूट अपेक्स के रूप में डिफरेंशिएट होती है। इसी के साथ साथ में इस एपिबेसल पोर्शन से लीप शीथ का फॉर्मेशन हो रहा है, और हाइपोबेसल पोर्शन से इस सेल के पोर्शन को छोड़ करके शेष कोशिकाओं से फूट का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्टीमेटली इस सेल से इस प्रकार का ये सूट अपेक्स बन जाता है, और इसके साथ साथ में लीफ शीथ बन जाती हैं, और नीचे की तरफ रूट प्राइमोर्डिया बन जाता है। अर्लियर स्टेज के अंदर ये फूट ऐसे कैसे इस सूट को प्रोवाइड करता है, ये ऊपर की तरफ आर्किगोनिया का पोर्शन है इस जगह पर, और इस जगह पर प्रोथेलस का पोर्शन है। अर्लियर स्टेज के अंदर इस एम्ब्रियो के अंदर जर्मिनेशन होता है, ये एम्ब्रियो ऐसे कैसे प्रोथेलस के ऊपर प्रेजेंट है, ये जैसे एक बड़ा सारा प्रोथेलस है और इस प्रोथेलस के ऊपर 1, 2, 3 आर्किगोनिया फर्टिलाइज्ड हुई हैं, और तीनों आर्किगोनिया इंडिपेंडेंट तीन अलग अलग प्लांट बना रही हैं। एक एम्ब्रियो से ये प्लांट बन गया, दूसरे एम्ब्रियो से ये दूसरा प्लांट बन गया, तीसरे एम्ब्रियो से ये तीसरा प्लांट बन गया। हर एक प्लांट से नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो रही हैं। इस प्रकार से ये नया स्पोरोफाइट बन गया है, और इस नए स्पोरोफाइट में आपको स्वलन पोर्शन नॉड के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर लीफ शीथ दिखाई दे रही हैं, और जो पतले पोर्शन हैं, थिन पोर्शन हैं, ये इंटरनोड के रूप में प्रेजेंट हैं। धीरे धीरे इनके अंदर ब्रांचिंग हो जाती है और मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी जो रूट्स होती हैं ये नीचे की तरफ प्रोथेलस को पेनिट्रेट करती हुई जाती हैं और जाकर के सॉइल के अंदर पहुंच जाती हैं, और सॉइल से ये अटैच्ड होकर के न्यूट्रिशन लेती हैं, वाटर लेती हैं, और धीरे धीरे ये जो नया स्पोरोफाइट है यह फूड के लिए एज वेल एज जल के लिए इंडिपेंडेंट हो जाता है, और ये मैच्योर गैमेटोफाइट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इस प्रकार से दोनों फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के जर्मिनेशन से नया स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से इस इक्विसिस्टम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जो हिट्रोमोर्फिक प्रकार की है, विषम आकृतिक प्रकार की है, जिसे डिप्लोहैप्लोबायोन्टिक प्रकार के नाम से जानते हैं, जिसमें मेन पीढ़ी डिप्लोइड है और सेकेंडरी पीढ़ी हैप्लोइड है। इसका मेन प्लांट डिप्लोइड, जिसे स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, लार्जर बड़ा होता है, और जो सेकेंडरी प्लांट होता है यह हैप्लोइड होता है, गेमेटोफाइट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्मॉलर होता है, जिसे हम प्रोथेलस के नाम से जानते हैं। इसकी लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देखें तो यहाँ पर इस जगह से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर ये स्पोरोफाइट है, जिसमें ये वेजिटेटिव पार्ट है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या दूसरे शब्दों में आप कहें ये वेजिटेटिव सूट और ये फर्टाइल सूट। इस फर्टाइल सूट के ऊपर ये कॉर्न या स्ट्रोबिलस लगा हुआ है। इस स्ट्रोबिलस की इकाई स्पोरेंजियोफोर है, जिसमें स्पोरेंजिया हैं, और इन स्पोरेंजिया में ये स्पोर्स बन रहे हैं, और ये स्पोर्स मदर सेल्स बन रही हैं, और इन स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होकर के ऐसे स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर्स नीचे गिर करके ये प्रोथेलस का निर्माण कर रहे हैं। प्रोथेलस, ऑल्दो हमने इसकी सेक्सुअलिटी के बारे में आपको अलग अलग प्रकार से बताया है, मेल गेमेटोफाइट के रूप में या फीमेल गेमेटोफाइट के रूप में या एक ही प्रोथेलस के रूप में ये प्रोथेलस बनता है, जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम बनता है। एंथ्रिडियम से इस प्रकार के स्क्रू शेप्ड एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, और आर्किगोनियम की वेंटर के अंदर इस प्रकार का फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट होता है। ये दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बना लेते हैं, जिससे क्वाड्रेंट स्टेज बनती है, जिसके एपिबेसल पोर्शन से ये सूट अपेक्स वाला पोर्शन बनता है, और हाइपोबेसल पोर्शन से रूट अपेक्स वाला पोर्शन बनता है, और जर्मिनेशन होकर के नया स्पोरोफाइट या यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से इक्विसिस्टम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। हमने इक्विसिस्टम को
तीन पार्ट में लिया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में फर्स्ट पार्ट, और रिप्रोडक्शन इन स्पोरोफाइट सेकंड पार्ट, और रिप्रोडक्शन इन गेमेटोफाइट थर्ड पार्ट के रूप में लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ई कंटेंट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं महाविद्यालय के। और इसके अलावा भी यदि कुछ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से ई कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।